हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर सीटेट की प्राइमरी की मैथ ना पढ़ा के जूनियर की पढ़ाई जाए, हमें भी अच्छा लगा कि आपकी डिमांड आई और जूनियर की मैथ आपने डिमांड की, क्योंकि जूनियर की मैथ का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, प्राइमरी से बेटर होता है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस हमें समझने होते हैं, समझ के फिर अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो बच्चों की डिमांड आई, हमें बहुत खुशी हुई कि आप जूनियर की भी तैयारी कर रहे हो प्राइमरी के साथ साथ। तो आज से हम लोग 4-5 क्लासेस जो लेने वाले हैं वो सब जूनियर की मैथ की क्लासेस होंगी, उसमें मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा होगा। अब प्राइमरी का लेवल वैसे भी डाउन है, हमने 7-8 क्लासेस पढ़ाई भी, सीटेट की नॉर्मल लेवल था, कुछ खास नहीं मिला, बट जूनियर में हमें कुछ खास मिलने वाला है। और पढ़ने की क्लास में हम कुछ खास क्वेश्चंस डिस्कस जरूर करेंगे जो जूनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस रिसीव किए हैं वो सीटेट 2020 के पेपर के हैं, और पेपर के पूछने का जो पैटर्न था लाजवाब था, काबिले तारीफ था। तो ऐसे प्रश्न अगर आप प्राइमरी के साथ साथ जूनियर का भी टेट देना चाहते हो या सीटेट देना चाहते हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, मतलब वाकई में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है आज की क्लास, बहुत ही बेहतरीन। चलें फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को बिल्कुल ढंग से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन के पैटर्न को सीखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। चलिए, फर्स्ट नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट, सीटेट में पूछा गया यह प्रश्न, मतलब ऐसा प्रश्न काबिले तारीफ। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को समझेंगे कैसे लगाएंगे पहले तो यही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रश्न दिया गया वो दिया गया है कि 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान समझें कि इस अंडर रूट को हमें सॉल्व करना है और ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा प्रश्न हम कैसे करेंगे, और आपको पता है मैं ट्रिकी मैथ स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब ट्रिक के जादूगरी मेरे पास पूरी तरीके से है, हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व कर देते हैं। वो मेथड अगर आप सीख गए, हमारे सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट रहे, तो मतलब बड़ी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले पेपर में आप अपना अहम योगदान दे दोगे। जो सीटेट का ऑनलाइन पेपर है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ट्रिक बेस से हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना होता है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और इस क्वेश्चंस को देखेंगे, इस प्रश्न को देखें कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अंडर रूट, मुझे अंडर रूट को टच ही नहीं करना है, सीधी सी बात है, अंडर रूट को टच ही नहीं करना है और कुछ करना ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान जो ये वैल्यू दी गई है इसी में से कोई एक होगी ना, इतनी बात तो क्लियर है। जो वैल्यू हमें दी गई है इनमें से ही एक कोई ऐसी वैल्यू होगी जो ए का मान होगी। अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, सीटेट का आया हुआ प्रश्न है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डिजिटल सम, हमारा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम, सबसे फेवरेट, सबसे यूनिक और सबसे अहम योगदान निभाता है हमारे साथ ये पेपर में कैलकुलेशन को आसान करने में। सबसे ज़्यादा अहम कुछ भी है तो वो है डिजिटल सम, जिसका हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट, एक यूनिक मेथड से हम बड़े से बड़े प्रश्न को सेकेंडों में हल कर लेते हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी लोग एक बार अगर डिजिटल सम की क्लास नहीं पढ़े हैं तो एक बार वो डिजिटल सम की क्लास जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम पूरा रिविजन डिजिटल सम का यहाँ पर नहीं कर सकते, बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम बताते चलेंगे कि डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, संख्याओं को ऐड करते हैं, मीन्स जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए, 3 1 4 और 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर, समझते चलिएगा, 3 1 4 4 2 6, 4 1 5 5 2 7, ये हो गया ना, आगे आइए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता भैया, 36 और 7 और 6 13, अभी ये अंडर रूट में ही है। और डिजिटल सम में जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं, डिजिटल सम में जब हम संख्याओं को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे अगर 9 बनता है तो वो संख्या अपने आप कट जाती है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 3 9, कट गया ना, बताइए कोई परेशानी है।
अब यहाँ पे तीन और एक चार को ऐड करेंगे तो अंडर रूट में कितना आया, चार, ए बराबर अंडर रूट चार। समझते चलिएगा और बस आपका आंसर आने ही वाला है। बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे जो हमसे पढ़े हुए हैं कि सर आंसर तो आ गया है ना आंसर ना। चलिए लेकिन आपको याद रखना है, आप इसको अंडर रूट के बाहर दो नहीं लिखोगे, ये गलती कभी मत करना। आप क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करना, स्क्वायर इन बोथ साइड करना, तो ये ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, फोर। आप ये लिखिएगा, मींस आपने क्वेश्चन का डिजिटल सम लाने के लिए आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ए का मान कितना आ गया, चार। डिजिटल सम चार आया, ए का स्क्वायर कितना आ गया है, चार। और हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो ए की दी गई है, तो यहाँ पे हम कैसे लगाते हैं इस बात को समझना। आप सबसे पहले हमें दो, देखिए ये समझना है बस यही, अगर आप डिजिटल सम समझ गए तो सच में क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके। सात एक आठ, इसका डिजिटल सम आठ, दो एक तीन, चार एक पाँच, पाँच दो सात, तीन एक चार, चार दो छः, सबका डिजिटल सम निकाल लिया। ये ए की वैल्यू दी गई है ना, ए की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आपने निकाला है वो ए स्क्वायर निकाला है, ए स्क्वायर का मान कितना लाए हैं, चार। तो यहाँ पे भी सबका स्क्वायर कर दीजिए, तो आठ का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, सात का स्क्वायर और छः का स्क्वायर। आठ का स्क्वायर कितना होगा, चौंसठ, चौंसठ को जोड़ दिए, छः चार दस एक, इसका डिजिटल सम एक। तीन तरीका नौ, नौ जहाँ भी मिलेगा कट जाएगा, डिजिटल सम जीरो। सात सते उनचास, नौ कट गया, क्या गया, चार। छः छंग छत्तीस, छः तीन नौ कट गया, जीरो। जहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया था, चार, तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए था, चार। तो आपका आंसर आ गया 2014। ये है यूनिक कॉन्सेप्ट जहाँ से बड़े प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ लें और अच्छे से ही पेपर में लगाएं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके ऑनलाइन पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा ना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बड़े कैलकुलेशन को आसान करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है तो डिजिटल सम अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप क्लास जरूर वॉच कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। चलिए, दे रहा है प्राप्त संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। अब समानुपात होता क्या है, समानुपात होता है ए अनुपात बी, समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि बाहर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर के दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, तब वो संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। बाहर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर आ जाएं, तो वे संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। चलिए हमारे पास नंबर्स क्या दिए गए, एक दिया गया 50, एक दिया गया 16, एक दिया गया 92, एक दिया गया 117। ये सभी संख्याएँ अनुपात में, ये 61 है, सॉरी ये 61, फिर यहाँ पे आप समानुपात लगा लीजिए, फिर अनुपात। कहा प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए, इसी क्रम में, बात समझिएगा, उसने एक बात इसको लगा दी, इसी क्रम में, मीन संख्याओं का क्रम यही रहेगा, आप क्रम को परिवर्तित नहीं कर सकते हो, लैंग्वेज कभी खराब नहीं होती, लैंग्वेज को समझना होता है। उसने कहा इसी क्रम में, मीन्स जो संख्याएं यहाँ पे हैं वो उनका क्रम परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वो क्रम वही होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन को कैलकुलेट करते हैं, ए को, ए है हमारा 17, चलिए चेक करते हैं, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 33, रेशियो, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये एक हासिल जाएगा चार आएगा, एक हासिल गया चार आएगा, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए एक हासिल जाएगा 12, से ये 5 हो जाएगा, एक हासिल गया था तो 8 से एक जाएगा 75 हो जाएगा, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए ये हो जाएगा 100, ठीक है, कैंसिल आउट करिए, 11 तीन 33 और 11 चौको 44 समानुपात, 25 तीन 75, 25 चौको 100, समझिएगा। देखिएगा अभी आप सोचेंगे सर जी आपने इनको 11 से काटा है
और इनको 25 से काटा है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ये संख्या का रेशियो अलग है और इस संख्या का रेशियो अलग है, दोनों अलग अलग रेशियो में है, अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है, बीच में समानुपात लगा हुआ। अब हमने क्या बताया कि बाहर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 3 × 12, अंदर की दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के अगर बराबर हो जाएं तो वे संख्याएं किसमें हैं, समानुपात में है। तो 3 × 12 3 × 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 17 आ गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको x घटाइए, कहते हैं कि 50 से x माइनस करिए, 61 से x, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उसको भी हम एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं और देखिएगा वो कितना लॉन्ग मेथड बन जाएगा हमारे साथ, क्योंकि वो द्विघात समीकरण का रूप ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी आप उस रूल को अप्लाई करने का प्रयास न करना जो अन्य टीचर कराते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपके पास आंसर आपके ऑप्शंस में उपलब्ध होते हैं, अगर पेपर ने ये ऑप्शंस दे रखा है तो इन्हें फर्जी में नहीं दे रखा है, इनका बेहतरीन तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो ये ऑप्शन से ही मेरे आंसर हैं। आंसर कहाँ से आता है, इन ऑप्शन से ही तो आता है, बाहर से तो आने वाला नहीं है, तो इन ऑप्शंस का ही हम अच्छे से यूज़ करें ना, इन ऑप्शन से अगर हम अच्छे से यूज़ कर लें तो हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो हमें कभी भी अपने फर्जी के, देखिए अगर आप हमसे पढ़ते तो हमसे ही पढ़िए, किसी और से पढ़ते हैं तो किसी और से पढ़िए, एक मिनट, क्योंकि हम कभी भी पढ़ाने का काम नहीं करते, हम हमेशा सिखाने का काम करते हैं, और सीखना है तो हमसे पढ़िए, पढ़ना है तो किसी और से पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो पेपर में। और मेरा मानना है कि पेपर में सिर्फ हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो हमें बेस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए जो हम पेपर में जल्दी से पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ना, ऐसा ही कॉन्सेप्ट तो आपको चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए, ये सीटेट जूनियर लेवल के पेपर के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही यूनिक हैं, कल से और धमाकेदार प्रश्न मारूंगा, ऐसा धमाका होने वाला है जूनियर के लिए कि आप सोच नहीं सकते। बड़े से बड़े प्रश्नों को सेकंडों में हल करने का यूनिक मेथड लेके आ रहा हूं आपके साथ जल्द ही। आइए, माना कि वह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, x के अंकों का योग बताइए। भैया, जब भी ऐसा प्रश्न आए आप तुरंत ही संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना, तुरंत ही क्या करना, संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम तो आप निकाल लोगे इस मेथड से, ठीक है, और हमें इन संख्याओं का एलसीएम देखते ही समझ में आ रहा है कि किसके करीब में जाना चाहिए, ऑप्शन से समझ में आता है मुझे। और एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन संख्याओं से डिवाइड भी हो, एलसीएम हमेशा एक ऐसा नंबर होता है जो इन नंबर से डिवाइड हो। आप एलसीएम निकाल लेना, आपका कॉन्सेप्ट है, आप पेपर में एलसीएम निकाल लेना, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो एक संख्या ऐसी है जो इन संख्याओं से डिवाइड है, वो है 840। आप देखिए डिवाइड है या नहीं डिवाइड है, ये 8 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, 28 से भी डिवाइड है और 35 से भी डिवाइड है, डिवाइड है कि नहीं है, है ना। तो एलसीएम वही नंबर होता है जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा कैसे सोच लिया, सोच इसलिए लिया क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 8 और इसके लास्ट में 0 इसके लास्ट में 2 है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 0 बनता है, तो लास्ट में एक 0 तो आना ही आना था ना। फिर उसके बाद हमारे पास गया, हमने देखा 12 सते 84, 84 12 से तो पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर हम यहाँ पे आए कि अगर 2 से काटते हैं 84 को, 84 पूरा 42 बन रहा है, कट भी रहा है। यहाँ पे जब आए तो 3 को हमने उठाया, 3 दुनी 6, 3 8 24, हमने सोचा 84 को रख के देखो हम यहीं पर करते वक्त ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं और जो भी याद आता है हम उसी को करते हैं, हमें पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं होती, पढ़ के आने मतलब बेकार है क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर में कभी पढ़ के मत आओ, बिना पढ़े जो आपने पहले से पढ़ रखा उसी कॉन्सेप्ट को पेपर में लगाना है। तो ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर सॉल्व करने में पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है। अब वो नंबर कितना आ गया, 840, जिन्हें हम इससे डिवाइड करें, 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 पूरा डिवाइड हो रहा है। उसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे इनसे डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 रहता है, 5 शेष बचना चाहिए। तो हमने कहा इसमें उस 5 को ऐड कर दें तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे तो हमें 5 शेष मिल जाएगा ना। तो वो नंबर हमारा क्या आ गया, 845। उसने कहा इन नंबर का योग बताइए, तो 8, 4, 12, 5, 17,
उन नंबर का योग कितना आ गया 17। बताइए कोई समस्या है, कोई समस्या आपको, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए जूनियर का है तो थोड़ा सा लेवल जरूर बढ़ेगा और हम जूनियर के क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे क्योंकि जूनियर के साथ साथ प्राइमरी कवर होगा, क्योंकि प्राइमरी में कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है, तो जूनियर पे ही मेहनत करो, प्राइमरी अपने आप कवर हो जाएगा ना। चलिए आइए फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न, मतलब वाकई में इसकी तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो हमने प्रश्न अच्छा क्यों कहा, सर आप सोचो कि सर बिना पढ़े हुए आपने कैसे कह दिया कि प्रश्न अच्छा है, हमने यहां पे देख के सिर्फ कहा, इस लाइन को पढ़ के सिर्फ। क्वेश्चन क्या कह रहा सुनो, प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, कोई त्रिभुज है उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां पूर्णांक में है, मीन्स दशमलव में नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तो इस प्रकार के कितने त्रिभुजों का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले हम एक बात समझें कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो छोटी भुजाओं का योग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो, बड़ी भुजा से बड़ा हो, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। अगर ये रूल नहीं अप्लाई होता है तब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, तब त्रिभुज नहीं बन पाएगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम त्रिभुज बनाते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने कहा ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक। फिर देखिएगा दो छोटी भुजाओं का योग 5 2 7, 7 जो है इस 5 से बड़ा है या नहीं है, है ना। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए तभी त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, बन गया ना। अब आइए एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज मीन्स 4 4 4। देखिए परिमाप, उसने जो एक बात कहा किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप मीन्स त्रिभुज की भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। देखिए 5 5 10 और 2 12, हमेशा भुजाएं वही होंगी उनका योग 12 आना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आप भुजा बना दो, भुजा वही बनाओगे जिनका योग 12 हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, भुजाओं का योग 12 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए 4 4 8 4 3 12, परिमाप 12 है तो त्रिभुज की भुजाओं का योग 12 ही होना चाहिए, ठीक। अब समझना 4 और 4 8, देखिए तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक है या नहीं, अधिक है, अधिक है तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। अब आगे आइए, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, इसमें आप ध्यान रखना ये ट्रिपलेट लेता है 4 3 5, 4 3 7 5 12, और 4 और 3 का ट्रिपलेट 5 होता है। ट्रिपलेट अगर आप हमारी त्रिभुज की क्लास पढ़ लो तो वहाँ से आपको सारे त्रिभुज की डिटेल आपको मिल जाएगी, त्रिभुज बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ाया गया है। आप जितने लोग भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हो त्रिभुज की क्लास ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सबको समझ में आ जाएगा, 4 3 5, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है और देखिए इनका योग जो है 4 3 7 5 12 परिमाप के बराबर आ रहा है, और त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, त्रिभुज का निर्माण संभव है। इसके अलावा आप सोचोगे सजीव विषमबाहु त्रिभुज नहीं बना सकते हैं क्या, हम कह रहे हैं बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ये आप बताओ,
अगर हम कहें नहीं बना सकते तो उसका तो मैं बता दूंगा कैसे नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके मन में आ रहा सर विषम बाहु त्रिभुज बन सकता है तो कैसे बन सकता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। हमारे पास भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, भुजा 12 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक, और दो छोटी भुजाओं का योग एक बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो हमने कितने त्रिभुज बनाए, एक समद्विबाहु बना दिया, एक समबाहु बना दिया और एक समकोण बना दिया। तो हमने कितने त्रिभुज बनाए, तीन त्रिभुज, तो त्रिभुज में क्या आंसर आएगा, तीन। बताइए कोई समस्या है, बस आप इस पॉइंट को भैया कभी मत भूलना, इसको जरूर ध्यान रखना वरना आप हमेशा गलती करोगे, ठीक। बताइए कोई परेशानी है आपको, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, आगे बढ़ाया जाए। आइए फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से एक बेहतरीन प्रश्न ना, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतनी है सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बेलन लेते हैं ना, हम बेलन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमारा बेलन है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई, ये त्रिज्या है R और ये इसकी ऊंचाई है H। बेलन की ऊंचाई हमें 2 मीटर दे रखा है। अब एक समझना, एक क्वेश्चन इसमें एक पॉइंट लगाया है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि। अब आधार की परिधि हमारी क्या है, ये देखिए आधार में हमारा क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, आधार में हमारा क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त की परिधि दिया है हमें आधार, आप समझना, आधार में बेलन के वृत्त बना होता है और वृत्त की हमें परिधि दे रखा है कितना, 528। तो वृत्त की परिधि होता क्या है, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr, मीन्स हमें 2πr की वैल्यू दे रखा है। 2π का मान हम रख देते हैं 22/7 और r की वैल्यू यहां से निकालेंगे और परिधि कितना दिया, 528। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हमने मीटर से सेंटीमीटर से हम मीटर में हमें जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ऊंचाई आपकी मीटर में दे रखी है और हम सब आंसर में लगा देते हैं मीटर क्यूब, हमेशा आयतन क्यूब में आता है, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक। तो हमने क्या किया, जो सेंटीमीटर में आपकी परिधि थी उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात क्लियर है यहाँ तक की, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं। 11 × 2 = 22 कैंसिल आउट करिए, 11 × 4 = 44, 8 बचेगा, 11 × 8 = 88 और ये कटेगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 24, ये कटेगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 12 और 12 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, R बराबर हो जाएगा 12 × 7 = 84/100। ये R निकल आया, मतलब त्रिज्या हमारी निकल आई। अब समझना आगे आयतन निकालना है, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr² h, बेलन का आयतन होता है πr² h। तो पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 84/100 गुणे 84/100 और ऊंचाई कितनी हमारी 2, यही तो है। चलो अब कैलकुलेट कर लो जल्दी से, बस आपका आंसर आ गया है आपके पास। चलिए ये कटेगा 12/7 = 84, कट गया 12/7 = 84। अब समझना 22 × 12 × 84 × 2 बटे में कितने जीरो हैं, 4, तो आंसर में 4 अंक पहले दशमलव आएगा और 4 अंक पहले दशमलव यहां पे भी दे दिया, यहां पे भी दे दिया, यहां पे भी दे दिया, तो यहां पे नहीं दिया तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बात समझते चलना, देखो एक एक सिचुएशन को हैंडल करोगे कैलकुलेशन आसान होगा। हमने कहा नीचे 4 जीरो हैं तो ऊपर जो है, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक पहले दशमलव लगने होते हैं, तो नीचे 4 जीरो हैं तो ऊपर 4 अंक पहले दशमलव होना चाहिए आंसर में, तो एक आंसर हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरी बात समझिए, दूसरी बात समझिएगा, यूनिट डिजिट को हमेशा लास्ट वाली संख्या का पहले मल्टीप्लाई करें, 2 × 8
आठ दुनी 16, 16 दुना 32, 32 का मतलब लास्ट में आंसर में क्या आना चाहिए, 2। ये देखिए आपका आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेशन के बचने के दो तीन मेथड होते हैं जहां से हम कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व करके निकल सकते हैं। पहला मेथड तो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका माइंड कितना वर्क करता है सबसे पहले तो ये देखना होता है कि पेपर के टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। दूसरा हमारा मेथड होता है यूनिट डिजिट, जो अभी हमने अभी लगाई, 2 चौको 8, 8 दुनी 16, 16 दुना 32, यूनिट डिजिट 32 में यूनिट डिजिट क्या आया, 2। तो आंसर में आप चेक करो 2 कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, तो आपका आंसर यही बनेगा, ठीक है। दूसरा हमारा यूनिट डिजिट हुआ। तीसरा क्या होता है, डिजिटल सम, जो अभी अभी हमने लगाया है इस वाले प्रश्न में, डिजिटल सम ये कहाँ गया, इस वाले प्रश्न में, ये तीसरा होता है, सॉरी इस वाले प्रश्न में डिजिटल सम जो हमने लगाया, ये जो है ये हमारे बेस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। लेकिन फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप पेपर में अपने माइंड का यूज करके उस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हो या नहीं हल कर पा रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक कि बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी चीज है बेटा, हम आपको एक बात और बता देते हैं, अगर इस क्वेश्चन में हमारे आंसर यहाँ से भी नहीं मैच करता तो हम एक पांचवा रूल लगाते हैं। वो रूल तब लगाएंगे जब हमारा आंसर फंसेगा, बताएंगे नहीं आज, तभी लगाएंगे जब हमारा आंसर फंसेगा, ठीक है। कभी ना कभी फंसेगा जरूर मेरा आंसर, और तब हम बताएंगे कि वो पांचवा रूल क्या है जिसका अप्लाई ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेशन से बचने के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न, हमने इस प्रश्न को कम से कम 5 बार आपको सॉल्व करा दिया होगा। एक घनाभ आकार के गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतने 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 मीटर है, इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमाएँ इतनी इतनी है ना। तो हमने बताया जब भी नंबर निकालना हो तो घनाभ का आयतन क्या है, पहले वाला 56 मीटर गुणे 42 मीटर गुणे 10 मीटर, बटे में जितने डिब्बे रखने हो उनकी लंबाइयां क्या है, 2.8 मीटर 2.5 मीटर और 70 मीटर, यही तो है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से दशमलव हटाओगे ऊपर एक 10 लग जाएगा, यहां से दशमलव हटाओगे ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा, बढ़ गया, चलिए बढ़ा दिया हमने। ये कटेगा 28 दुना 56, ये कटेगा 25 चौको 100, 10 दहम 100, तो 25 चौको 100, ये 10 से 10, ये 7 छंग 42, ये 6 दुनी 12, 12 चौको 48। अब बड़ी बात ये आ गई कि 48 आ रहा है सर जी, और आपका 48 नहीं आ रहा है, आंसर तो मैंने बता दिया 4800 होगा, आंसर तो मैंने बता दिया 4800 होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर जी क्यों, क्योंकि हमने एक छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया, इसको देखो, देखा क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा है, सेंटीमीटर, और जितनी भी और यूनिट है वो किसमें है, मीटर में, और जब भी कोई संख्या सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से भाग करते हैं, और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो संख्या कितनी आ जाएगी, 4800, क्लियर है ना, कोई डाउट। जब भी कोई डिजिट यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, एक ही यूनिट में सब होने चाहिए, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में कैसे हो सकते हैं, सबको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और मीटर में कन्वर्ट करने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। बढ़ा जाए, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है ना। आगे बढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसके एक विकर्ण पर डाले उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां ये है, तो विकर्ण की लंबाई बताइए। इस प्रश्न को आप सॉल्व करो, हमने चतुर्भुज बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है और बहुत ही यूनिक है प्रश्न, इस प्रश्न को आप सॉल्व करो, और नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करो, तब हम कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कम से कम हमें पता चलना चाहिए कि हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको याद हैं या नहीं याद हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं पढ़ा चुका हूं इस तरह का एक प्रश्न, आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, ऑफलाइन बैचेस में भी, ऑनलाइन बैचेस में भी, तो सभी लोग इस प्रश्न को लगाएं और इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। प्रश्न साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, तो सभी को लगाना है। अगर आप कमेंट करके नहीं बताते तो ठीक नहीं होगा आपके लिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, हम कल की क्लास में इसका कैलकुलेशन, इसका सॉल्व उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चला जाए आगे बढ़े,
प्रश्न को इग्नोर मत करना, ये सीटेट 2021 के लिए ही बना है, ऑनलाइन क्लास के लिए ही बना है, ऑनलाइन पेपर के लिए ही बना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछले 3 सालों से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, सीटेट 2020 सीटेट 2021 में ऐसे प्रश्न पूछे गए। कह रहा है यदि 8 अंकों वाली संख्या, एक 8 अंकों वाली संख्या क्या 30X0867Y 88 से विभाज्य है तो 3X+Y का मान क्या होगा, 3X+Y का मान क्या होगा। ये संख्या 88 से डिवाइड है और हमें वैल्यू बताना है 3X+Y की। तो भैया एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा आप, जैसे कि हमने कहा कि 36 जो है वो 6 से डिवाइड है ना। अगर 36 6 से डिवाइड है तो 36 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होगी, किससे, जैसे 3 × 6, तो देखो 36 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से जरूर डिवाइड होगी, अवश्य डिवाइड होगी। तो चलो और सॉल्व करते हैं इसको फिर। अगर ये नंबर, ये वाला नंबर इस 88 से डिवाइड है तो यह इसके फैक्टर 11 8 88 से भी डिवाइड होगी। समझते जाना एक एक पॉइंट। ये सीटेट 2020 में भी आया, सीटेट 2021 में आया, और सॉरी सीटेट 2019 में आया, सीटेट 2020 में आया और सीटेट 2021 में आएगा, आज ही लिख लो। हम जो कहते हैं वो सच होता है। सीटेट 2021 में 100% आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल क्या होता है कि उस संख्या की अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या की अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो चलो अंतिम 3 संख्याएं 6, 7, Y को 8 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं y की जगह पर नंबर क्या आएगा। 8 × 8 = 64, 3 आ गया यहाँ पे, शेष बचा 7 से 4 जाएगा। यहाँ पे अगर हम y की जगह पे 2 रख दें तो 8 × 4 = 32, 3 नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। तो y की जगह पे आपने क्या पुट किया है, 2। तो हम ये कह सकते हैं 30X0867 2, y की जगह पे हमने वैल्यू जो पुट की है वो क्या है, 2 है। ये ध्यान रखिएगा, y का मान हमने 2 रख दिया। देखिए अब बात समझेंगे सर, आप कहोगे कि सर जी आपने 1 ही क्यों रखा, आपने 2 ही क्यों रखा। भैया जब प्रश्न न्यूनतम और अधिकतम, मिनिमम और मैक्सिमम लिख के देगा तो हम उसके अनुसार चलेंगे, लेकिन जब वो मिनिमम और मैक्सिमम नहीं लिखेगा तो हम हमेशा मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 8 × 4 = 32, तो y के जगह पे 2 आ गया। अब दूसरा नियम है हमारे पास क्या, 11 का। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए समय लग रहा है समझाने में। अब 11 का नियम क्या कहता है, संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़िए, संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़िए, संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़िए, सॉरी 0062 संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़िए, 7 × 3 = 10, 10 × 8 = 18 + X 6 × 2 = 12 और फिर दोनों को घटा दीजिए तो 18 से 12 जाएगा कितना आएगा, प्लस का 6। संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़िए और जोड़ने पर उनका जो संख्या है वो या तो 11 बन जाए या तो 0 बन जाए। संख्याओं को सबसे पहले आपको एकांतर क्रम में जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि संख्या या तो ये वाली संख्या 11 बन जाए, या तो 11 का मल्टीपल बन जाए, या फिर 0 बन जाए। बात को समझते जाना, या तो 11 बन जाए या तो फिर 0 बन जाए। तो हम इसको क्या बना देते हैं,
5 रख देते हैं यहाँ पे और कह देते हैं कि 5 और 6 11, 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो 3 × 5 और y का मान 2 रखते हैं, 5 × 3 = 15 = 17। हाँ, अब ऑप्शन में नहीं, सबसे बड़ी समस्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे द्वारा किया गया कैलकुलेशन सही है, बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, आंसर आप 17 बना दो, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, हमने क्या कहा, 11 और 8 का नियम लगाओ। 11 का नियम कहता है कि संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़ो, 8, 7, 15 और 3, 18, 18 + x एकांतर क्रम में, 0, 0, 6 और 2, 0, 0, 6 और 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत जोड़ दिया, सॉरी, तब तो फिर आंसर कुछ और आएगा। संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़िए, 8, 3, 11, 7, 18 x + 18 और 6, 2, 8 −8 तो x + 10, तो x की जगह 1 रखिए, सॉरी, देखिए अभी हमने आंसर चेंज कर दिया, x की जगह पे 1 रखिए, 3 × 1 + 2 तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। अब कन्फ्यूज हो गए थोड़ा सा ना, 8 का नियम तो समझ में आ गया होगा, 11 का नियम एक बार फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ था। सबसे पहले संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़ना है, संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़ो, एकांतर क्रम में जोड़ो, फिर जोड़ने के बाद दोनों का अंतर ले लो, इसका और इसका अंतर ले लो, तो अंतर लिया तो x + 10 आया। तब हमें जब x + 10 प्राप्त हो तो हम x का ऐसा मान रखते हैं, या तो ये 0 बन जाए या तो ये 11 बन जाए, या तो ये 0 बन जाए या तो ये 11 बन जाए, तो ये जिसके करीब है, 1 रख देंगे तो इसका योग 11 बन जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने x का मान 1 रख दिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 5। बताओ कोई परेशानी है, कल एक बार फिर से एक ऐसा प्रश्न लेंगे, दोबारा फिर से समझाएंगे, परसों फिर दूसरे टाइप का ऐसा प्रश्न लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जितने लोग इसको नहीं समझ पाए, वो नंबर सिस्टम की हमारी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आप एक बार जाके उस क्लास को वॉच कर लो, 30-40 मिनट का समय दे दो, अच्छे से ये क्लास आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमने कराया है। चले आगे बढ़ा जाए, और कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ करे तो आप टेंशन मत लिया करो, क्योंकि जब कोई पढ़े जब यही मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा बिना पढ़े हुए, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है और उसके बाद तो सही कर लिया जाता है। आइए, दिया गया है 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है। भैया आप समकोण त्रिभुज, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है टेट और यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए, यूपी टेट भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सी टेट में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मीन्स ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब समकोण त्रिभुज बनाने का मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब आधार, लंब और कर्ण, यही तो होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइट और ये होता है हाइपोटेनियस। इसको आप बेस, इसको लंब को लेंथ भी एल कह सकते हो या बी कह सकते हो, जो भी कह दो, ठीक है। तो होता क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होगा, क्लियर है सभी को, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होगा तभी समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा ना। चले आइए, आप समझते हैं कौन सी ऐसी भुजाएं हैं जिनसे ये बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, और ट्रिपलेट हमने आपको त्रिभुज की क्लास में पढ़ाया है, हमने कहा था कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं, उनको आप याद कर लेना, और उस इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट में मैं 3 सालों से लिखा रहा हूँ ये वाला ट्रिपलेट, 3 सालों से ऑफलाइन बैच में ये ट्रिपलेट मैं लिखा रहा हूँ। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और आज हमें फिर मिल गया। तो ये ट्रिपलेट क्या है, 11 हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। देखो ये सब बराबर है या नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। अगर बराबर है तो हमारे द्वारा दिया गया ट्रिपलेट बिल्कुल सही है। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, 61 का स्क्वायर कितना होगा 6×6 = 12, 2×8 = 6×6 = 37, 3721। इसको जोड़ो, एक ये दो जाएगा और 6×1 = 7 जाएगा, ये 3। जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर हो तो वही हमारा ट्रिपलेट होता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो, वरना पेपर में एक एक संख्या का स्क्वायर करके आप कहाँ तक चेक करोगे। सीटेट 2019, यूपीटेट 2019, सीटेट 2021, यूपीटेट 2021 पूछे जाएंगे प्रश्न, सीटेट 2021 ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव है, बच्चा समय लेगा और उतनी देर में क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो हमें याद रखना है ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको त्रिभुज की क्लास में लिखाया है, 7-8 ट्रिपलेट, वो आप याद कर लो, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पेपर में इतने सारे हम ऑप्शन चेक नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका भी चेक कर लीजिए, चलिए इसका भी चेक कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर, क्या हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? 19 का स्क्वायर कितना होता है 9×81 = 1। अब बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होगा ना, 9×81 = 8, 9×9 = 18, 18×8 = 36, 18 + 8 = 26, 18 + 8 = 26, ये 1, 2, 3, 6, 7, 4×4 = 16, 41 + 1, 4×4 = 8, 4×16। तो भैया ये तो अलग जा रहा है, ये 1681 होता है, ये कितना जा रहा है 1, 6, 9, ये 1961 जा रहा है, ये 4900 जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, वही सही है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए आप लोग, ट्रिपलेट बिल्कुल सही है, आपने कहा इसलिए हमने चेक भी कर लिया, वरना मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल याद था, ठीक है, कि 11, 60, 61 ट्रिपलेट होता है, हमें तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप भी याद रखो हमारी तरह, जैसे पेपर जल्दी से आप बीट करके नौकरी पा जाओ ना। सीटेट पार करना है इस बार, और ये सब जूनियर के क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा लेवल पे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं, चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर बताइए, ठीक है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है बताइए, 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, तो 5 × 3 = 8, 8 + 7 = 15, 15 + 5 = 20, 4 = 24, 24x = 360, ये काटिएगा 6 × 24 और 6 × 36 और ये 15 × 60, x बराबर आ गया 15। हमें बताना क्या है, हमें जो बताना है उस पर ध्यान रखिए, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण में अंतर बताना है। सबसे छोटे हमारा 3x और सबसे बड़े हमारा 9x, इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 6x, और x का मान आपने कितना निकाला है 15, तो क्या हो जाएगा अंतर 90 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने अलग निकाल दिया, आप 15 एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करते, 15 एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करते, इतना समय क्यों वेस्ट करते, हम पहले बड़े और छोटे का डिफरेंस निकाल लें, जो आएगा उसमें x का मान पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, क्या समय वेस्ट करना, कुछ नया सीखो जिसकी ज़रूरत है आपको। ऑनलाइन पेपर में मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें कुछ नया ही सीखना होगा, नया ही करना होगा, तभी आपका पेपर निकलेगा, पेपर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, कुछ नया सीखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र O है, ठीक है, कोण है ये, कोण BOC और कोण BAC का मान क्या होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, एक त्रिभुज ले लो भैया जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने शायद ऑफलाइन बैच में पढ़ाया, अभी ऑनलाइन बैचेस में हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, और टेट ने और सीटेट ने दोनों ने इस प्रश्न को पूछा है। इस प्रश्न को सीटेट जूनियर और टेट जूनियर, यूपीटेट जूनियर, इन दोनों लोगों ने पूछा है। अगर आप सीटेट और यूपीटेट जूनियर का पेपर दोगे तो ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। उसने कहा ABC, ठीक, ये इसका अंतः केंद्र, इसका अंतः केंद्र क्या है, O है, ठीक है। कोण BOC यहां पे बराबर लगा लेना है, कोण BOC, ये BOC का मान दिया गया है हमको, कोण BAC का मान बताना है, इसका मान बताना है, इसको आप कह दो कि X है या A है। अब एक बात समझना, हमने आपको बताया तीन चीजें, पेपर क्या देता है हम बताते हैं, एक आपको अंतः केंद्र देगा, क्वेश्चन सेम ऐसे लिखा होगा,
एक अंतः केंद्र देगा, एक लंब केंद्र देगा और एक परिकेंद्र देगा। ठीक है, ये तीन चीजें देगा। जब भी अंतः केंद्र दे, लंब केंद्र दे, परिकेंद्र, सेम क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा। आपको अंतः केंद्र भी लिख के देगा, परिकेंद्र भी लिख के देगा, लंब केंद्र भी लिख के देगा। जो वो बोलेगा हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अंतः केंद्र बोलता है तो होता है 90 प्लस कोण ए बाई टू, और लंब केंद्र बोलता है तो 180 माइनस कोण ए, और परिकेंद्र बोलता है तो 2 कोण ए। ये तीनों फार्मूले होते हैं और क्वेश्चन आपसे बोलेगा, जो भी बोलेगा, जो भी लैंग्वेज यूज करेगा आपके साथ, आप उस फार्मूले को पेपर में लगा देना। ठीक है, इन फार्मूलों को आप ध्यान रखना, ये तीन फार्मूले होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस बार उसने अंतः केंद्र बोला है और अंतः केंद्र क्या होता है, 90 प्लस कोण ए बाई टू। ठीक है, तो अंतः केंद्र होता है थीटा बराबर 90 प्लस कोण ए बाई टू। हमेशा आप इसको थीटा बोलना, थीटा बराबर, इसको भी थीटा बराबर, जैसी लैंग्वेज बोलेगा थीटा बराबर। ठीक है, अंतः केंद्र तो थीटा बराबर 90 प्लस कोण ए बाई टू, लंब केंद्र तो थीटा बराबर 180 माइनस कोण ए बाई टू, परिकेंद्र थीटा बराबर 2 कोण ए। और थीटा हमेशा ये नीचे वाला, थीटा जो होता है हमारा ये नीचे वाला, ये कोण हमेशा हमारा थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना दिया गया, 110 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस कोण ए बाई टू। हमें कोण ए ही बताना है, ये कोण बताना है ना। ठीक है, 90 उधर चला जाएगा तो 110 से 90 माइनस हो जाएगा इक्वल टू कोण ए बाई टू। 110 से 90 माइनस होगा कितना, 20 इक्वल टू कोण ए बाई टू। इस दो का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दुना 40 कोण ए, कोण ए का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, बताइए, यही हमारा अंतः केंद्र है, यही हमारा लंब केंद्र है, यही हमारा परिकेंद्र है, सब कुछ यही है। ठीक है, बस इसको आप हमेशा थीटा देना, ये थीटा ही है, ये वाला जो यहाँ वाला जो वैल्यू होगी हमारी, हमेशा आप उसको थीटा मानिएगा, ये थीटा है और थीटा बराबर 110 डिग्री दिया गया। तो अंतः केंद्र थीटा बराबर 90 प्लस ए बाई टू, लंब केंद्र थीटा बराबर 180 माइनस कोण ए, परिकेंद्र थीटा बराबर 2 कोण ए। ये तीन फार्मूले हैं, आप बेस्ट तरीके से याद रखो और ऐसे प्रश्नों को धक्का धक लगाओ, समय नहीं लेने वाले हैं ना पेपर में। चलिए, प्रश्न समाप्त हुए हमारे आज के, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेट और सीटेट के लिए, जूनियर वालों के लिए, जितने लोगों को जूनियर का पेपर देना है वो प्रश्न इनको मिलेगा जरूर, ये वाला, यूपी टेट हो या सीटेट हो, जो भी होगा आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप पे जुड़ के या हमें टेलीग्राम पे, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहो, सारी पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल कराई जा रही है। और जैसा कि आगे बात करते हैं कल की क्लास में ना, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर आपका करीब है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सीटेट के लिए जो हम आपको बताना चाहेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो कल की क्लास में शेयर करते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।